stretch forth thy hand. Thus ended she. And help a wretched maid to flee. अपना हाथ आगे बढ़ाओ, इस तरह से उसने अपनी बात खत्म की. And help a wretched maid to see. और एक दुखियारी औरत को फ्ली करने में हेल्प करो, भागने में हेल्प करो. Then Christabel stretched forth her hand. तो क्रिस्टाबेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया. And comforted fair Geraldine. और जिराल्डिन को, गोरी जिराल्डिन को, गोरी चिट्टी जिराल्डिन को कंफर्ट किया, आराम दिया, राहत पहुंचाई. ओ वेल ब्राइट डेम, मे यू कमांड द सर्विस ऑफ सर लियोलाइन. क्रिस्टाबेल बोली, ओ वेल ब्राइट डेम, सुंदर औरत, मे यू कमांड द सर्विस ऑफ सर लियोलाइन, तुम्हें सर लियोलाइन की सेवाएं मिलेंगी. एंड ग्लैडली Our stout chivalry, means brave knight, will he send forth and friends withal. Withal means also. और वो बड़ी खुशी खुशी and gladly, Sir Leoline, अपनी stout chivalry यानी अपने brave knights यानी अपने बहादुर योद्धाओं को तुम्हारे लिए भेजेंगे. Will he send forth, और अपने friends को भी भेजेंगे, to guide and guard you safe and free. तुम्हें सेफ और फ्री गार्ड करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी, और तुम्हें गाइड भी करेंगे, यानी तुम्हें अच्छे से अपने घर छोड़ के आएंगे मेरे पापा के ब्रेव योद्धा और उनके मित्र. होम टू योर नोबल फादर्स हॉल, तुम्हारे नोबल फादर के घर में अच्छे से छोड़ के आएंगे, तुम फिक्र मत करो. नेक्स्ट लाइट. शी रोज एंड फोर्थ विद स्टेप्स दे पास्ट. अब वो उठी और कदमों कदम उठा करके वो गुजरने लगे. दैट स्ट्रोव बी एंड वर नॉट फास्ट. दैट स्ट्रोव टू बी, उसने कोशिश तो की, एंड वर नॉट, परंतु वो फास्ट नहीं चल सकी. द लेडी वॉन्टेड टू वॉक फास्ट बट कुड नॉट. यानी वो जो गिराल्डिन थी, क्योंकि हर इतने थकी, क्योंकि वो तेज चलना चाहती थी उसके साथ, पर वो तेज चल नहीं सकी. हर ग्रेशियस स्टार्स The lady blessed. इस लाइन का मतलब इस लेडी ने क्रिस्टाबेल को आशीर्वाद दिया. हर ग्रेशियस स्टार्स द लेडी ब्लेस्ड. उसने दुआएं दी उसको हेल्प करने के लिए. एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल. और इस तरह क्रिस्टाबेल से बोली. स्पेक ये आर्काइक फॉर्म है स्पोक की. All our household are at rest. The hall as silent as the cell. तो अब क्रिस्टाबेल बोलती है कि हमारे सारा घर जो है, हमारा सारा घर are at rest. सभी रेस्ट कर रहे हैं. The hall as silent as the cell. और हमारा घर इतना साइलेंट है जितना कि सेल, ये कालकोठरी होती है. Sir Leoline is weak in health. मेरे पापा सर लियोलाइन हेल्थ में वीक है, कमजोर है. एंड मे नॉट वेल अवेकंड बी, और उनको जगाया जाना अच्छा नहीं होगा. बट वी विल मूव एज इफ इन स्टेल्थ, परंतु हम ऐसे चलेंगे जैसे कि हम कोई चोरी कर रहे हैं. स्टेल्थ का मतलब चोरी के मोड में, यानी हम चोरी छुपे चलेंगे, एकदम चुपचाप पहुंचेंगे. एंड आई बिसीच योर कर्टसी, और मैं तुमसे एक विनती करती हूँ. बिसीज का मतलब मांगना, कर्टसी का मतलब होता है शिष्टता. वो कहते मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ. दिस नाइट टू शेयर योर काउच विद मी, कि आज आपको अपना काउच मेरे साथ शेयर करना होगा. क्रिस्टाबेल जेराल्डिन को कहते हैं कि आपको आज मेरे साथ ही सोना पड़ेगा, यानी हम एक ही काउच पर सोएंगे. और जेराल्डिन तो चाहती भी नहीं थी कि वो किसी तरह से क्रिस्टाबेल को अपने शिकंजे में ले लें, काफी हद तक ले भी लिया है. They crossed the moat and Christabel took the key that fitted well. अब उन्होंने मोट को क्रॉस किया. मोट होती है डिच अराउंड द कैसल, किले के चारों ओर जो खाई बना दी जाती है सुरक्षा के लिए, उसको मोट कहते हैं. उन्होंने उस खाई को क्रॉस कर लिया. तो क्रिस्टाबेल ने वो की ली जो एकदम फिट थी गेट के, यानी उसके पास वो की थी जो गेट के अला खोलती थी. ए लिटिल डोर शी ओपन स्ट्रेट.
होल इन द मिडल ऑफ द गेट। तो उसने एक छोटा सा दरवाजा खोला जो एक बड़े से दरवाजे के बीच में था, यानी किले का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके बीच में एक छोटा दरवाजा था जिसमें उसने चाबी लगाई और खोल दी। द गेट दैट वॉज आयरन विद इन एंड विदाउट, वो जो गेट था वो आयरन था, यानी लोहे की सलाख से लोहे की चैन से लगा हुआ था अंदर से और बाहर विद इन एंड विदाउट, लॉक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। वेयर एन आर्मी इन बैटल एरे हैड मार्च्ड आउट, और उस गेट से आर्मी निकला करती थी, यानी वो गेट इतना बड़ा था कि उस गेट से सेनाएं निकला करती थी और अंदर आया करती थी, वो युद्ध के टाइम में या कोई लड़ाई के समय में खोला जाता था। द बिग गेट इज फॉर आर्मी ओनली, तो उसने फिर छोटे वाला गेट खोला। द लेडी सैंक बिलाइक थ्रू पेन, अब जो वो लेडी थी जिराल्डिन, अब वो क्योंकि दुष्ट आत्मा थी, इविल स्पिरिट थी, तो वो वहां पे सैंक हो गई, बैठ गई दरवाजे के पास। बिलाइक थ्रू पेन, ऐसा लग रहा था कि दर्द के मारे बैठ गई, थकान के मारे बैठ गई, बट रियल में क्या था, इविल स्पिरिट अफ्रेड ऑफ आयरन, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, उनको लोहे से डर लगता है, क्योंकि वो गेट सारा लोहे का था, उसमें लोहे की चैन लगी थी आगे पीछे, तो वो उससे डरती थी, तो वो नीचे बैठ गई। एंड क्रिस्टाबेल विद माइट एंड मेन लिफ्टेड हर अप ए वेरी वेट, क्रिस्टाबेल ने अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको उठाया, ए वेरी वेट, वो काफी भारी थी, ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट, ताकि वो उसको गेट की दहलीज को पार करा सके, क्योंकि तो जिराल्डिन को डर था कि अगर वो अकेली पार करेगी तो ये लोहे की जो चेनें हैं या लोहे का जो सामग्री है ये उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसने एक्टिंग की कि वो थक गई है, वो गिर गई है, चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, क्रिस्टाबेल ने उसकी हेल्प की। देन द लेडी रोज अगेन, तब वो लेडी फिर से उठ गई, एंड मूव्ड एज शी वर नॉट इन पेन, और अब वो ऐसे चलने लगी जैसे उसको कोई दर्द नहीं था। सो फ्री फ्रॉम डेंजर फ्री फ्रॉम फियर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी म्यूजिकल क्वालिटी है, फ्री फ्रॉम डेंजर फ्री फ्रॉम फियर, एलिट्रेशन है, FF की साउंड बार बार आ रही है, आयरनी भी है, आयरनी है, फ्री फ्रॉम डेंजर फ्री फ्रॉम फियर। जिराल्डिन तो फ्री फ्रॉम डेंजर और फ्री फ्रॉम फियर हो गई किले के अंदर घुसते ही, लेकिन अब क्रिस्टाबेल का बुरा टाइम आने वाला था, तो आयरनी ये है कि जो फ्री फ्रॉम डेंजर और फ्री फ्रॉम फियर ये पॉइंट बोल रहा है, एक्चुअल में इसका उल्टा होने वाला है, क्रिस्टाबेल को खतरे में पड़ रही है। दे क्रॉस द कोल्ड राइट ग्लैड दे वर, अब उन्होंने कोर्ट को क्रॉस किया, घर का जो कोर्ट था आंगन था उसको क्रॉस किया, तो बहुत खुश थे दोनों। एंड क्रिस्टाबेल डिवोटली क्राइड टू द लेडी बाय हर साइड, अब क्रिस्टाबेल ने प्रे की, डिवोटली क्राइड करता है, प्रे की प्रार्थना की टू द लेडी बाय हर साइड, उस लेडी से जो उसके पास थी, प्रेज बी द वर्जिन ओल्ड डिवाइन हु हैथ रेस्क्यूड मी फ्रॉम थाई डिस्ट्रेस, तो उसने कहा कि हमें उस वर्जिन की, उस दैवीय शक्ति की प्रेज करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए, हु हैथ रेस्क्यूड दी फ्रॉम थाई डिस्ट्रेस, जिसने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें रेस्क्यू किया है तुम्हारी डिस्ट्रेस से, तुम्हारी विपत्ति में, तुम्हारी बुरी अवस्था से तुम्हारी रक्षा की है। अलास अलास सैड जिराल्डिन, अब जिराल्डिन क्या बोली, अलास अलास आई कैनॉट स्पीक फॉर वियरीनेस, कि मैं नहीं प्रे कर सकती, अब क्योंकि वो तो प्रेत आत्मा है, दुष्ट औरत है, तो वो ऐसे भले काम कैसे कर सकती है, वो प्रेयर से दूर ही रहती है, उसको तो प्रेयर से डर लगता है। जिराल्डिन इविल नेचर शोड सी कैन नॉट टेक पार्ट इन प्रेयर, यहाँ पे जिराल्डिन का इविल नेचर शो होता है। सो फ्री फ्रॉम डेंजर फ्री फ्रॉम फियर, ये देखिए फिर से यूज किया है, एक्चुअल में फ्री फ्रॉम डेंजर थी जिराल्डिन, और क्रिस्टाबेल बेचारी अब डेंजर में फंसने वाली थी। Irony, Gestapo well is in danger now. They crossed the court right glad they were. फिर उन्होंने court cross किया आगे और वो खुश थे। Outside her kennel, the mastiff old lay fast asleep in moonshine cold. अब वो mastiff जो थी वो अपने kennel के बाहर, kennel कुत्तों का घर होता है, ये कुतिया थी एक mastiff, वो अपने kennel के बाहर ले फास्ट अस्लीप,
गहरी नींद में सोई हुई थी। इन मून शाइन कोल्ड चांदनी रात थी। द मैस्टिफ ओल्ड डिड नॉट अवेक, अब वो बूढ़ी कुतिया जागी नहीं। येट शी एन एंग्री मोन डिड मेक, परंतु फिर भी उसने नींदों में ही एक एंग्री मोन किया, यानी गुस्से से वो कराही, गुस्से से भौंकी। एंड व्हाट कैन एल द मैस्टिफ बिच, और इस मैस्टिफ बिच को क्या परेशानी हो गई थी। नेवर टिल नाउ शी अटर्ड येल, अब तक तो उसने कोई भी आवाज नहीं की थी। द मैस्टिफ कैन सी ईविल वाइल अस्लीप, तो माना जाता है कि कुतिया जो है या कुत्ते जो हैं वो दुष्ट आत्माओं को नींद में भी पहचान लेते हैं। जब कुतिया के पास से वो गुजरे तो कुतिया ने एक अजीब सी आवाज़ की, इसको मतलब कुतिया को पता था कि ये एक दुष्ट आत्मा है। बीनीथ द आई ऑफ क्रिस्टाबेल परहैप्स इट इज द ऑल्ड स्क्रीच, फॉर व्हाट कैन एल द मैस्टिफ बिच, तो क्या पता ये आउल की स्क्रीच हो, आउल की कुत्ते की आवाज हो जिसने मैस्टिफ को रोकने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन ऐसा था नहीं, रियल में था ही कि वो जिराल्ड के खिलाफ थी। दे पास द होल द इकोड स्टिल पास एज लाइटली एज द विल, अब उन्होंने होल को पास किया, इकोज जो थी वो सारी स्टिल थी यानी कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। पास एज लाइटली एज यू विल, इतनी द ब्रैंड्स वर फ्लैट द ब्रैंड्स वर डाइंग, अब ब्रैंड्स हैं बर्निंग पीसीज ऑफ वुड वर डाइंग, ये ब्रैंड्स हैं बर्निंग पीसीज ऑफ वुड, जो लकड़ी के टुकड़े जो जल रहे थे अंगीठी के अंदर, तो वो फ्लैट थे और वो डाइंग हो रहे थे यानी वो जल चुके थे और अब बुझने वाले थे। अमिड देयर ओन वाइट एशिज लाइंग, और वो अपनी ही सफ़ेद राख के अंदर पड़े थे। बट वेन द लेडी पास्ट देयर केम ए टंग ऑफ लाइट ए फिट ऑफ फ्लेम, परंतु उस लेडी ने जब उसको क्रॉस किया उस अंगीठी को जिसके अंदर वो लकड़ी के पीस लगभग जल चुके थे और बुझने ही वाले थे, उस लेडी के गुजरते ही उनमें से एकदम से ज्वाला उठी, एकदम से तेज से धमाका सा हुआ, ए फिट ऑफ फ्लेम, एक बहुत तेज ज्वाला निकली। एंड क्रिस्टाबेल सो द लेडीज आई, तो क्रिस्टाबेल ने उस लेडी की आंखों में देखा। एंड नथिंग एल्स सो शी देयर बाई, अब क्योंकि क्रिस्टाबेल उस जिराल्डिन की आंखों में देख रही थी तो उसने आसपास कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ है। लेकिन अब आप देखिए कितना बुरा अपशकुन था, कितनी एक डरावनी चीज थी कि कोई औरत जब आग के पास से निकली तो वो आग एकदम दहक गई। इसका मतलब जिराल्डिन रियल में बहुत बड़ी ईविल स्पिरिट थी। सेव द बोस ऑफ द शील्ड ऑफ सर लियोलाइन टॉल द रेज्ड ऑर्नामेंट इन द सेंटर ऑफ सर लियोलाइन शील्ड, इससे पिछली लेवल लाइन देखें। एंड नथिंग एल्स सो शी देयर बाई, तो क्रिस्टाबेल ने और कुछ नहीं देखा सेव यानी सिवाय द बोस ऑफ द शील्ड ऑफ सर लियोलाइन टॉल, सर लियोलाइन का एक रेज्ड ऑर्नामेंट बना हुआ था उसके बोस को देखा उसने यानी उसके सेंटर को देखा, शील्ड लिया की ले रखी थी उसने उस मूर्ति ने, तो उसको देखा। विच हंग इन ए मर्की ओल्ड निक इन द वॉल, जो लटक रहा था इन ए मर्की ओल्ड निक, एक गहरे, मर्की का मतलब होता है डार्क, निक होती है शेल्फ, दीवार के अंदर एक शेल्फ होती है, वो वहां पे लटक रहा था। ओ सॉफ्टली ट्रेड सैड क्रिस्टाबेल, अब क्रिस्टाबेल ने कहा कि सॉफ्टली ट्रेड यानी धीमे चलो। माई फादर सेल्डम स्लीप वेल, मेरे पापा गहरी नींद नहीं सोते, अच्छे से नींद कभी नहीं आती, जल्दी जाग जाते हैं। स्वीट क्रिस्टाबेल हर फीट डथ बेयर, उस प्यारी क्रिस्टाबेल के फीट जो थे वो बेयर थे यानी नंगे थे। एंड जियलस ऑफ द लिसनिंग एयर, और उसको शक था कि हवा भी हमारी बातें सुन सकती है। दे स्टील देयर वे फ्रॉम स्टेयर टू स्टेयर, अब वो सीढ़ी दर सीढ़ी अपना चोरी छुपे अपने रास्ते आ रहे थे। नाउ इन ग्लिमर एंड नाउ इन ग्लूम, तो कभी तो रोशनी थी रास्ते में और कहीं बिल्कुल अंधेरा था, ग्लिमर यानी फेंट लाइट। एंड नाउ दे पास द बैरन्स रूम,
अब उन्होंने बैरन के रूम को पास किया, यानी सर लियोलाइन के रूम को पास किया, एज टिल एज डेथ विद स्टाइफल्ड ब्रेथ, और इतनी चुप्पी से जितनी चुप्पी से मौत आ जाती है, विद स्टाइफल्ड ब्रेथ, और अपने सांस को रोक करके, सांस को एकदम स्टाइफल करके, एकदम सांस को जाम करके, एंड नाउ हैव रीच्ड हर चैम्बर डोर, अब वो अपने चैम्बर के डोर के पास पहुंच गए, एंड नाउ डथ जिराल्डिन प्रेस डाउन द रशेस ऑफ द चैम्बर फ्लोर, अब जिराल्डिन ने दबाने शुरू किए रशेस को जो उसके चैम्बर फ्लोर के अंदर थे। पुराने जमाने में लोग अपने रूम के नीचे सूखा हुआ घास रखते थे ताकि रूम का जो फर्श है वो ठंडा ना हो और सॉफ्ट भी लगे, तो उन रशेस पे अब जिराल्डिन ने अपने कदम रखे। द मून शाइन्स डिम इन द ओपन एयर, ओपन एयर के अंदर बाहर मून बड़ा ही मध्यम मध्यम चमक रहा था, एंड नॉट ए मून बीम एंटर्स हियर, परंतु उस चैम्बर के अंदर कोई रोशनी नहीं आ रही थी मून की, बट दे विदाउट इट्स लाइट कैन सी द चैम्बर कार्व्ड सो क्यूरियसली, परंतु बिना लाइट के ही वो देख सकते थे, खास करके जिराल्डिन, कि उसका जो चैम्बर था वो कितनी क्यूरियसली कार्व किया हुआ था, कितनी सुंदरता से उसकी नक्काशी की गई थी, सजाया गया था, क्यूरियसली का मतलब माइन्यूटली यानी बारीकी से, कार्व विद फिगर्स स्ट्रेंज एंड स्वीट ऑल मेड आउट ऑफ द कार्वर्स ब्रेन, तो बड़े ही किसी अच्छे कारीगर ने उस कमरे को सजाया था, क्योंकि वो लेडी क्रिस्टाबेल का था, क्रिस्टाबेल एक राजकुमारी जैसी थी, एक बड़े ही अच्छे कारीगर ने अपने दिमाग का उपयोग करके उसके कक्ष को सजाया हुआ था, और ए लेडीज चैम्बर मीट, और बिल्कुल वो वैसा ही था जैसा कि किसी लेडी का चैम्बर होना चाहिए, बिल्कुल शूट करता था। द लैम्प विद टू फोल्ड सिल्वर चेन इज फास्टन्ड टू एन एंजल्स फीट, और उसके चैम्बर में एक लैम्प लटक रहा था जो दो चैन से बंधा हुआ था, और किससे बंधा हुआ था वो, फास्टन टू एन एंजल्स फीट, ऊपर एक एंजल का, एंजल की मूर्ति थी, उसके पैर के साथ लटक के वो लैम्प लटका हुआ था चैन के सहारे। द सिल्वर लैम्प बर्न्स डेड एंड डिम, बर्न लाइफलेसली, अब वो जो लैम्प था वो बर्न्स डेड यानी बुझने ही वाला था, वो डिम हो गया था काफी, बट क्रिस्टाबेल द लैम्प विल ट्रिम, परंतु क्रिस्टाबेल ने उस लैम्प को ट्रिम किया यानी उसकी बत्ती को ऊपर चढ़ाया, शी ट्रिम्ड द लैम्प एंड मेड इट ब्राइट, अब उसने लैम्प को ट्रिम करके उसको और ब्राइट कर दिया यानी रोशनी ज्यादा होने लग गई, एंड लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड फ्रो, अब वो जो लैम्प था वो हवा में झूलता रहा क्योंकि उसको टच कर दिया था क्रिस्टाबेल ने और थोड़ी सी उसकी बत्ती को चढ़ाई थी इसलिए उसमें मूवमेंट होने लग गई। व्हाइल जिराल्डिन इन रैचिड ब्लाइट सैंक डाउन अपॉन द फ्लोर बिलो, अब जिराल्डिन अपनी बुरी अवस्था में वो दिखावा कर रही थी कि वो बहुत थकी हुई है, नीचे बैठ गई, सैंक डाउन और फ्लोर पर बैठ गई। ओ वेरी लेडी जिराल्डिन आई प्रे यू ड्रिंक दिस कोर्डियल वाइन, अब क्रिस्टाबेल जिराल्डिन से बोली कि ओ वेरी लेडी, थकी हुई लेडी जिराल्डिन, मैं तुमसे प्रे करती हूँ कि तुम ये कोर्डियल वाइन पी लो, उसके पास एक वाइन थी क्रिस्टाबेल के पास, इट इज़ ए वाइन ऑफ वर्चुअस पावर्स, ये जो वाइन है ये एक तरह से बहुत ही पवित्र है और उन्हें शक्ति का संचार कर देगी, माई मदर मेड इट ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, ये मेरी माँ ने बनाई थी जंगली फूलों से, अब उसकी माँ ने कोई चीज़ बनाई है तो वो जिराल्डिन के लिए अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी माँ ने तो क्रिस्टाबेल की रक्षा करने के लिए कोई ऐसी दवाई बनाई होगी जिससे क्रिस्टाबेल सही रहे, अब देखते हैं जिराल्डिन लेती है कि नहीं। एंड विल योर मदर पिटी मी हु एम ए मेडन मोस्ट फॉरलोन, तो क्या तुम्हारी मदर मेरे पे दया करेगी जो कि एक औरत है मोस्ट फॉरलोन यानी बहुत ही निराश हताश लोनली और हेल्पलेस एक औरत है, क्या तुम्हारी मदर मेरी हेल्प करेगी। क्रिस्टाबेल आंसर्ड हु इज मी, तो क्रिस्टाबेल बोली कि अनहैप्पी तो मैं हूँ, हु इज मी का मतलब है कि अनहैप्पी तो मैं हूँ।
She died the hour that I was born. वो उसी समय मर गई थी जब मैं पैदा हुई. I have heard the grey-haired friar tell how on her deathbed she did say. तो मैंने सुना था कि जो फ्रायर था, जो उसकी डेथ बेड के पास खड़ा था, फ्रायर होता है फादर चर्च का, तो जो मरने वाले की अंतिम इच्छा वगैरह पूछता है, तो वो कहती है कि मैंने फ्रायर से सुना था, हाउ ऑन हर डेथ बेड, कि कैसे मेरी माँ जब अपने डेथ बेड पर थी यानी मरने वाली थी, तो उसने कहा था दैट शी शुड हियर द कैसल बेल स्ट्राइक 12 अपॉन माई वेडिंग डे, कि वो मेरी शादी का वेट कर रही है और उसे उस घड़ी का इंतजार है जब मेरी शादी होगी. ओ मदर डियर दैट थाउ वर हियर, ओ मदर काश तुम अब यहाँ होती. आई वुड सैड जिराल्डिन शीवर, तो जिराल्डिन ने भी यही कहा कि काश वो होती. बट सून विद ऑल्टर्ड वॉइस सैड सी, परंतु तभी उसने आवाज बदल कर कहा ऑफ वॉन्डरिंग मदर, कि घूमने वाली माँ, ऑफ दूर चली जाओ, पीक एंड पाइन दूर जाके मरो, परे हट जाओ. अब यहाँ क्या हुआ कि जिराल्डिन ने शायद क्रिस्टाबेल के रूम में उसकी माँ की आत्मा को देख लिया होगा जो उसकी रक्षा करने के लिए आई थी. जैसे ही क्रिस्टाबेल ने अपनी माँ को याद किया तो उसकी माँ की आत्मा उसकी रक्षा करने के लिए आई और जिराल्डिन ने उसको देख लिया. जिराल्डिन जो अब तक बड़ी ही मीठी आवाज में बोल रही थी, अभी यहाँ उसने अपनी वॉइस को ऑल्टर किया, अपनी असली वॉइस में बोली, बड़े ही भयंकर रूप से बोली उस आत्मा से, ऑफ वॉन्डरिंग मदर, ए भटकती आत्मा, ऑफ दूर हो जाओ, पीक एंड पाइन दूर हो जाके मरो. आई हैव पावर टू बिट दी फ्ली, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हें भगा सकती हूँ. अलास व्हाट अलास पुअर जिराल्डिन, व्हाट एल्स पुअर जिराल्डिन, Why stares she with unsettled eye? Why stares she with unsettled eye? Can she, the bodiless dead, espy? Can she the ghost? तो अब ऐसा लगता है कि जिराल्डिन के पास ऐसी कौन सी पावर है? जिराल्डिन इस तरह से unsettled eye से कैसे देख रही है? ये क्रिस्टाबेल नोटिस कर रही है कि ये जिराल्डिन को अचानक से क्या हो गया है? उसकी आंखें ऐसे कैसे हो गई हैं? क्या वो डेड एस्पाई को देख सकती है? क्या वो गोस्ट को देख सकती है? क्या वो भूतों को देख सकती है? एंड वाई विद होलो वॉइस क्राइज सी ऑफ वन ऑफ दिस आवर इज माइन, और वो किस क्यों ऐसे बोल रही है होलो वॉइस से, एक भयंकर आवाज में इस तरह से क्यों बोल रही है? ऑफ वुमन भाग जाओ औरत, ऑफ भाग जाओ, दिस आवर इज माइन, ये समय अब मेरा है. जिराल्डिन के बस में आ गई है क्रिस्टाबेल और जिराल्डिन ने जो असली रूप दिखा रही है अपना, जिराल्डिन ने देखा कि उसकी माँ की आत्मा क्रिस्टाबेल की रक्षा करने के लिए आ गई है, तो उसने आवाज़ बदल के अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से उस आत्मा को भगाने के लिए ये बातें बोली. वो कहती दिस आवर इज माइन, अब ये मेरा टाइम है. दो दाउ हर गार्डियन स्पिरिट बी ऑफ वुमन ऑफ इट इज़ गिवन टू मी, तुम हो सकती हो इसकी गार्डियन स्पिरिट, तुम भले ही इसकी रक्षा करने वाली आत्मा हो, भाग जाओ औरत, अब तो ये मुझे मिल गई है, ये मुझे दे दी गई है. देन क्रिस्टाबेल नेल्ट बाय द लेडीज साइड, अब क्रिस्टाबेल लेडी की साइड के पास झुक करके बैठ गई. एंड रेज टू हेवन हर आईज सो ब्लू, और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, हेवन की ओर उठाई यानी ऊपर उठाई, सो ब्लू उसकी आंखें एकदम नीली थी. अलास सैड सी दिस गास्टली राइट डियर लेडी इट हैड वाइल्डर्ड यू, द लेडी वाइप्ड हर मॉइस्ट कोल्ड ब्रो. अब क्रिस्टाबेल ने कहा जिराल्डिन से, अलास सैड सी, कि हे भगवान, दिस गास्टली राइड, ये जो तुम्हारी गास्टली राइड थी, ये जो तुम्हारा अपहरण कर लिया था लुटेरों ने, डियर लेडी इट हैथ वाइल्डर यू, कि इसने तो तुम्हें वाइल्डर कर दिया है, इसने तो तुम्हें तुम्हारा जो हुलिया है वो ख़राब कर दिया है. क्योंकि क्रिस्टाबेल ये सोच रही थी कि ये लेडी थकी हुई है और उसकी वजह से इसके माथे पे पसीना आ गया है, इस तरह से इसका रूप परिवर्तन हो गया, तो उसको तो यही लग रहा था कि पुरानी थकान आ गई या पुराना डर इसका वापस जीवित हो गया.
लेकिन था क्या, था ये कि जिराल्डिन ने अपने असली रूप उसकी माँ की आत्मा को दिखाया था। द लेडी वाइप्ड हर मॉइस्ट कोल्ड ब्रो। अब लेडी ने, जिराल्डिन ने अपनी मॉइस्ट कोल्ड ब्रो को, जो अपने माथे पर पसीना आ गया था, उसको वाइप किया, पोंछा। अब देखिए, ये है सिम्टम्स ऑफ फ्राइट एंड इंटेंस एक्साइटमेंट। द वर्ड्स इंडिकेट हाउ फियर्स द स्ट्रगल विद द स्पिरिट ऑफ क्रिस्टाबेल्स मदर हैज बीन। अब इससे पता लगता है कि क्रिस्टाबेल की माँ और जिराल्डिन के बीच कितना फियर्स बैटल हुआ होगा, कितना फियर्स जो है वो संघर्ष हुआ होगा। एंड फेंटली सैड इट्स ओवर नाउ। तो जिराल्डिन बोली, नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब सब ठीक है, क्योंकि उसने उसकी माँ की आत्मा को भगा दिया था। शी वॉन्ट्स टू से दैट हर स्ट्रगल विद द स्पिरिट इज ओवर। एक्चुअल में वो ये कहना चाहती है कि उसने उसकी माँ की आत्मा पर काबू पा लिया है। अगेन द वाइल्ड फ्लावर वाइन शी ड्रैंक। उसने फिर से वो शराब पी, वाइन जो उसने क्रिस्टाबेल ने दी थी। हर फेयर लार्ज आईज गैन ग्लिटर ब्राइट। तो उसकी जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें थी उनमें चमक आ गई। एंड फ्रॉम द फ्लोर वेयर ऑन शी सैंक द लॉफ्टी लेडी स्टूड अपराइट। और अभी जब वो बैठी हुई थी नीचे फर्श पे, अब वो लॉफ्टी लेडी, वो जो सुंदर लेडी थी, फिर से खड़ी हो गई। शी वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल टू सी लाइक ए लेडी ऑफ ए फार कंट्री। तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई दूर देश की एक सुंदर अप्सरा होती है। क्रिस्टाबेल की बात हो रही है ये। एंड दस द लॉफ्टी लेडी स्पेक, ऑल दे हु लिव इन द अपर स्काई डू लव यू होली क्रिस्टाबेल एंड यू लव देम एंड फॉर देयर सेक एंड फॉर द गुड विच मी बी फील। अब वो जिराल्डिन बोलती है, लॉफ्टी लेडी बोलती है, ऑल दे हु लिव इन द अपर स्काई, वो सब जो ऊपर रहते हैं, डू लव यू होली क्रिस्टाबेल, क्रिस्टाबेल सब तुम्हें प्यार करते हैं, एंड यू लव देम एंड फॉर देयर सेक एंड फॉर द गुड विच मी बी फील। और जो तुमने मेरे प्रति अच्छाई दिखाई है, फॉर द गुडनेस यू हैव शोन टू मी, तुमने मेरा जो इतना भला किया है, इवन इन माई डिग्री, इवन आई इन माई डिग्री विल ट्राई। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, यानी मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी, फेयर मेडन टू रिक्वेट यू विल, तुम्हारा एहसान चुकाने की। अब लेडी जिराल्डिन क्रिस्टाबेल से बोल रही है कि तुमने मेरे प्रति जितना दिखाया है, मेरी मदद की है, मेरा पर एहसान किया है, तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, टू पे बैक, टू रिक्वेट यू विल। बट नाउ अनरोब योर सेल्फ। अब वो कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। अनरोब का मतलब उसने जो लबादा पहन रखा था क्रिस्टाबेल ने, उसको उतारने के लिए बोल रही है। शी कैन कास्ट हर इविल स्पेल ओनली थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब क्योंकि वो जो अपनी अपना जो बुरा प्रभाव है, अपना जो काला जादू है, तभी चला सकती है जब वो क्रिस्टाबेल को बिना कपड़ों के देखेगी। तब वो कहती है कि अनरोब योर सेल्फ फॉर आई मस्ट प्रे एर येट इन बेड आई लाई। वो कहती है कि अब तुम अपना रोब उतारो, क्योंकि मुझे प्रे करनी है इससे पहले कि हम बेड पर लेटे हैं। कोथ क्रिस्टाबेल सो लेट इट बी एंड एज द लेडी बेड डिड सी। अब क्रिस्टाबेल ने कहा सो लेट इट बी, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही कर देती हूँ। एंड एज द लेडी बेड डिड सी, और जैसा लेडी ने बोला था उसने वैसा ही किया। हर जेंटल लिम्स डिड सी अनड्रेस एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस। तो उसने अपने कोमल कोमल हाथों से अपने आप को अनड्रेस कर लिया, अपने कपड़े उतार दिए, एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस, और अपनी पूरी सुंदरता के साथ लेट गई बैठी। बट थ्रू हर ब्रेन ऑफ व्हील एंड वू सो मैनी थॉट्स मूव्ड टू एंड फ्रो। अब उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। दैट वेन इट वर हर लिड्स टू क्लोज सो हाफ वे फ्रॉम द बेड शी रोज एंड ओन हर एल्बो डिड रिक्लाइन टू लुक एट द लेडी जिराल्डिन। तो अब उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, और उसको अब ये भी व्यर्थ लग रहा था। तुम इट वर हर लिड्स टू क्लोज सो हाफ वे फ्रॉम द बेड शी रोज। तो वो बेड के बीच में से उठी, एंड ऑन हर एल्बो डिड रिक्लाइन, और अपनी कोहनी का सहारा लेकर के झुक गई, टू लुक एट द लेडी जिराल्डिन, जिराल्डिन को देखने के लिए। यानी अभी वो लेटी नहीं, पूरा नहीं लेटी, वो अपनी कोहनी से उसने अपना एक तकिया बनाया और झुक करके जिराल्डिन को देखने लगी।
बीनीथ द लैम्प द लेडी पोर्च, लैम्प के पास वो औरत झुकी एंड स्लोली रोल्ड हर आईज अराउंड, और उसने चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाई। शी माइट स्टिल बी अफ्रेड ऑफ क्रिस्टाबेल्स मदर्स स्पिरिट। अब उस लेडी ने चारों तरफ उस कमरे की आंखें दौड़ाई कि कहीं आसपास उसकी माँ की आत्मा तो नहीं है जो उसको इस पर जादू करने से रोक दे। देन ड्रॉइंग इन हर ब्रेथ अलाउड लाइक ए स्नेक, तब एक सांप की तरह उसने एक जोर की सांस ली। लाइक वन दैट शडर्ड शी अनबाउंड द सिंक्चर फ्रॉम बीनीथ हर ब्रेस्ट, और कांपते हाथों से उसने अपनी जो बेल्ट है जो उसने अपनी ब्रेस्ट के नीचे बेल्ट लगा रखी थी, सिंक्चर बोलते हैं उसको, उसको खोल दिया। शी अनबाउंड इट, हर सिल्कन रोब एंड इनर वेस्ट ड्रॉप्ड टू हर फीट, और जैसे ही उसने वो बेल्ट खोला तो उसका जो सिल्कन रोब था, रेशमी रोब था, और अंदर की जो वेस्ट थी, अंतर वस्त्र थे, वो सारे जमीन पे गिर गए, पैरों में गिर गए, एंड फुल इन व्यू, और वो पूरी तरह से क्रिस्टाबेल के सामने उसने अपनी बॉडी दिखा दी। बिहोल्ड देखो हर बॉसम एंड हाफ हर साइट, उसका बॉसम और उसकी आधी साइड, ए साइड टू ड्रीम ऑफ नॉट टू टेल, तो उसका शरीर ऐसा था कि जिसका सपना ही लिया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता कि वो कैसा था। ओ शील्ड हर शील्ड स्वीट क्रिस्टाबेल, भगवान क्रिस्टाबेल की मदद करें। यानी जिराल्डिन का शरीर कुछ इतना अजीब था कि जिसका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसका तो सिर्फ सपना लिया जा सकता है। येट जिराल्डिन नॉट नॉर स्पीक्स नॉर स्टर, अब जिराल्डिन ना तो बोली ना ही हिली। आह व्हाट ए स्ट्रिकन लुक वॉज हर्स, कितना भयानक उसका दृश्य था। स्ट्रिकन लुक का मतलब बहुत ही भयानक दृश्य था उसका। डीप फ्रॉम विद इन शी सीम्स हाफ वे टू लिफ्ट सम वेट विद सिक असे एंड आईज द मेड एंड सीक्स डिले। सिक असे मीन्स विद ए ग्रेट एफर्ट, तो लेडी जिराल्डिन को अभी भी लग रहा था कि कोई कमी रह गई है उसके जादू में और उसका बोझ अभी पूरा उतरा नहीं है। एंड आईज द मेड एंड सिक्स डिले, और वो अभी क्रिस्टाबेल के साथ जो उसका सोना है, जो उसका शयन है, उसको डिले कर रही है, वो जा नहीं रही उसके पास। देन सडनली एज वन डिफाइड, एज ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ चैलेंज कर रहा है, एज वन चैलेंज्ड कलेक्ट्स हर सेल्फ इन स्कॉर्न एंड प्राइड एंड ले डाउन बाय द मेडन साइड, और अंत में अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके वो मेडन की साइड में सो जाती है, क्रिस्टाबेल की साइड में। एंड इन हर आर्म्स द मेड शी टुक, और वो क्रिस्टाबेल को अपनी आर्म्स में ले लेती है, अपनी बाहों में भर लेती है। आ वील डे, तो सारा बैड लक जो था वो क्रिस्टाबेल का था, इसका मतलब ये है। एंड विद लो वॉइस एंड डोलफुल लुक, और अपनी धीमी आवाज़ में और एक निराश एंड डोलफुल मॉर्नफुल लुक में, एक चिंताग्रस्त लुक में, दीज वर्ड्स डिड से, और ये बात बोली, इन द टच ऑफ द दिस बजम देयर वर्थ ए स्पेल, इस बोजम को, इस वक्ष को टच करने में एक जादू है, ये बात जिराल्डिन कह रही है। विच इज लॉर्ड ऑफ दाई अट्रेंस क्रिस्टाबेल, अब जब तुमने मेरा आलिंगन कर लिया है तो इसमें एक स्पर्श में एक जादू है जो तुम्हारी आवाज को कंट्रोल कर लेगा। अट्रेंस का मतलब आवाज, विच विल कंट्रोल योर स्पीच, जो तुम्हारी स्पीच को कंट्रोल कर लेगा। Thou knowest tonight and wilt know tomorrow. You will not be able to forget it. तुम्हें जो ये एक्सपीरियंस हुआ है आज, तुम इसको कभी नहीं भूल पाओगे। आज भी याद रहेगा तुम्हें, कल भी याद रहेगा। This mark of my shame, this seal of my sorrow, ये जो this stamp of disgrace which I am going to imprint on you, ये जो एक्सपीरियंस मैं तुम्हें लेने वाली हूँ, ये डरावना एक्सपीरियंस, ये बेइज्जती वाला, डिसग्रेस वाला एक्सपीरियंस जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, और ये जो मेरे सोरो की जो सील है, ये जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, मेरे दुख की जो सील है, मेरे दुख का ठप्पा जो मैं तुम्हारे ऊपर लगा रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं, बट मेनली द वर्स्ट यू विल फाइट अगेंस्ट इट इन वेन, तो इनसे तुम कभी भी अब छुटकारा नहीं पा पाओगे। वेन का मतलब व्यर्थ में ही तुम उनके खिलाफ जी सकते हो। दिस अलोन इन यू कैन टेल ओनली दिस, तुम सिर्फ ये ही बता पाओगे, आज रात को तुम्हारे साथ जो कुछ मैं करने जा रही हूँ वो तुम किसी को नहीं बता पाओगे, बस तुम इतना ही बोल पाओगे। ये जो आगे वाली बात है, लाइफ पावर को डिक्लेयर, तुम्हारे अंदर यही पावर को डिक्लेयर करने की,
दैट इन द डिम फॉरेस्ट दाउ हर्ड्स ए लो मॉर्निंग, कि एक डिम फॉरेस्ट में दाउ हर्ड्स ए लो मॉर्निंग तुमने एक कराहने की आवाज़ सुनी, एंड फाउंड्स्ट ए ब्राइट लेडी सरपासिंगली फेयर, और एक बहुत ही सुंदर लेडी को तुमने पाया, एंड डिडस्ट ब्रिंग हर होम, और उसको तुम घर लेके आई, विद दी इन लव एंड इन चैरिटी, प्यार और अपनी दयालुता दिखाने के लिए, टू शील्ड हर एंड शेल्टर हर फ्रॉम द डैम्प एयर, ताकि उसको तुम शील्ड कर सको, बचा सको और शेल्टर दे सको, शरण दे सको डैम्प एयर से, यानी फॉरेस्ट की ठंडी रात से। यानी तुम बस इतना ही बता पाओगी, आगे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है तुम उसको कुछ भी नहीं बता पाओगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी क्रिस्टा बेल, अभी इसका पार्ट टू है ये, नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस द रेस्ट ऑफ द पोएम इन नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।